ये वाला आपका 6 नंबर, तो इसको भी देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। दिया है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर में -2, और दूसरा समीकरण दिया है x/3 और प्लस y/2 बराबर 13/6। एक काम करें ना, इसको सिंपल कर लेते हैं। एलसीएम लीजिए, यहाँ 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, इसमें से भाग करिएगा 3 बार में, 3 * 9x हो जाएगा। अच्छा, इसमें से भाग करेंगे 2 बार में, तो 5 * 2 = 10y हो जाएगा, बराबर में -2। ये 6 जाकर उधर गुणा करेगा तो 9x माइनस का 10y बराबर -12। ये पहला समीकरण, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम लीजिए 6, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13/6। 6 काट दें तो बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर -12। समीकरण एक ही ना है। अच्छा, चलिए 9x बराबर हम लिख सकते हैं 10y माइनस 12। माइनस का 10y था, इधर आके प्लस का हो गया, यानी x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12 और बटा में 9। अब यहां लिखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण दो में रखेंगे, क्योंकि x का मान यहां से समीकरण एक से निकाला है, तो 2 में रखना पड़ेगा। चलिए तो 2 लेते हैं, यहां से दिया है समीकरण 2 में 2x प्लस 3y बराबर में 13, समझ गए। तो 2x की जगह क्या होगा, 10y माइनस 12 और बटा में 9 प्लस में 3y बराबर में 13, यही ना है। चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा, ये 2 से ऊपर गुना कर दे क्या, 20y माइनस का 24/9 और प्लस में 3y बराबर में 13, समझ गए। चलिए अगले स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 9 ही ना होगा। चलिए तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, ऊपर तो वही रहेगा 20y माइनस में 24 और प्लस ये 9 * 27 हो जाएगा ना, 27y, क्योंकि बटा में 1 डालिएगा, इसमें भाग करिएगा 9 * 9 = 27 बराबर में 13। ये देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 47y माइनस का 24 और बटा में 9 बराबर में 13। 9 जाके उधर गुना करेगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 47y माइनस का 24 बराबर में कितना जाएगा, 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117। ये 13 है आपका, है ना। चलिए तो अगले स्टेप में इसको ले जाकर जोड़ना होगा, तो 47y बराबर 117 और प्लस में 24। 47y बराबर हो जाएगा कितना, 141। जोड़ के देख लीजिए, यही ना आएगा आपका, 4 * 1 = 3 = 4 हो गया, ठीक है, 141 आएगा। y बराबर हो जाएगा 141 बटा 47, ये 3 बार में से कट जाएगा, तो यानी y का मान आ गया 3। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, यही ना है। तो 2x प्लस 3y के जगह पे 3 बराबर में 13, तो 2x प्लस 3 * 3 = 9 बराबर में 13। 9 को ले जाकर उधर 13 में से घटा दीजिए, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 13 - 9, यानी 2x बराबर आ गया आपका 4, यानी x बराबर आ गया 4/2, कट के आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, इसलिए x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे, सीधे अगला